जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छी गूसबेरीज इसी मौसम में मिलती हैं। हाँ, अब तक एक भी नहीं मिली बलू। सब्र रखो मोगली, टोकरा भर के मिलेगी। अच्छा, पर फिलहाल तो टोकरा तुम्हारी टोपी बन गया। बरसात में रास्ता थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता है। बलू वहाँ देखो, इसी वजह से अब तक हमें एक भी गूसबेरीज नहीं मिली। खबरदार, इस तरफ देखना भी मत। रंगू, अरे हाँ याद आया, ये तुम्हारा इलाका है और तुम्हारे दोस्त भी आने वाले होंगे। हमें माफ करना, हम बस यहाँ से जा ही रहे हैं। शाबाश, शुक्रिया, अच्छा हुआ खुद याद आ गया। रंगू इतना अकड़ क्यों रहा है, और इसके कौन से दोस्त आने वाले हैं? अरे सारस, पता नहीं क्यों रंगू सारस पक्षियों का दीवाना है। हर साल जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो वो उनके लिए खाने का इंतजाम करके रखता है। खैर छोड़ो वो सब। वाह, मजा आ गया, चलो फिर से करते हैं। बस बहुत हुआ मोगली, हम जा ही रहे हैं। रंगू, तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं है। कर भी नहीं पाओगे। काश एक और बार उस पहाड़ी से फिसलने का मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा। मुझे तुम सारी गूसबेरीज भी दे दो, तब भी मैं ये गलती नहीं करूँगा। अब चलो, हमें गूसबेरीज इकट्ठा करनी है। बलू, हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इससे हमें ज्यादा बेरीज मिलेंगी। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज दे देना। जैसे ही वो अपनी टोकरी भरेगा, हम उससे वो छीन लेंगे। ये जा कह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गूसबेरीज ढूंढने का काम मिला है ना? पर ये तुम्हें कैसे पता? खैर जो भी है, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा लगता है यहाँ कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है। क्यों ना हम इसकी खबर सीधे बलू को दे दे? नहीं, अच्छा सुनो, मेरे साथ आओ, पर शांत रहना, ठीक है? हाँ हाँ, हमें चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। बस पहुंच गए, देखो अब आएगा मजा। अरे वाह, ये कितनी सारी है। इसे छुओ मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे ये चाहिए भी नहीं। बस करो। बेरीज, हमारी तो किस्मत खुल गई। बोल चल बंदरिया, वरना अपनी चोंच से छेद करके जाली बना दूंगा। और तुम फिर पहाड़ी से फिसलने आए हो मेरे मना करने के बावजूद? अरे नहीं, हमने तुम्हारे दोस्त देखे हैं तो हमने सोचा उनके बारे में तुम्हें बता दें। सारस आ गए? हाँ, सारस पक्षी। हाँ? कहाँ है, कितनी दूर? वो पक्का इधर आ रहे हैं? नहीं तो, बात ये है कि वो सब के सब झील के पास रुके हुए हैं, शायद रास्ता भटक गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये मेरे... मुझे नहीं पता था वो यहाँ आना चाहते हैं, वरना मैं उनकी मदद कर देती। वो रास्ता कैसे भूल सकते हैं, वो तो हर साल यहाँ आते हैं। ओ, अरे नहीं, मुझे नहीं लगता वो रास्ता भूले हैं। मुझे लगता है वो तुम्हें एक पार्टी देने वाले हैं, पर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है? ओ, क्या कह रहे हो, मेरे लिए पार्टी? फिर तो मजा आ जाएगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे झूठ बोलने की? ये तो मेरी आदत है, देखो एक झूठ से मुसीबत चुटकी में भाग गई। चलो अब हम पार्टी करते हैं। नहीं, रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो क्या होगा? हाँ, पछताओगे। नन्नी मुन्नी मछलियाँ कितनी डरपोक होती हैं। तबाकी। क्या तुमने सारसों को देखा? तेरा भेजा देखा। मैं सारस पक्षियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई सारस पक्षी नहीं आए, तुझे ये किस उल्लू ने कह दिया? मुझे किसी उल्लू ने नहीं, उस मोगली और बंदरिया ने कहा। मोगली? तुम वापस जाओ और उसे वहीं रोके रखना। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ और फिर उसे सजा दूंगा तुमसे झूठ बोलने की। ठीक है? ठीक है, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ करोगे तबाकी। हाँ, जंगल में तबाकी तो है जो कुछ कर सकता है। ये! ये क्या? हा? तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हाँ, ये सब मैंने नहीं किया रंगू, सच कह रहा हूँ, पर मैं सब ठीक कर दूंगा, यकीन मानो। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मेरे दुखों के साथ अकेला छोड़ दो। ठीक है, पर मुझे माफ कर दो, मैं दिल से कह रहा हूँ। चलो। रुक जाओ। रंगू, तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसे सजा देने आ रहा हूँ। ये क्या? मैंने शेर खान को यहाँ लाने के लिए तो नहीं कहा था तबाकी। देखिए, ये मेरा इलाका है, आप जाइए यहाँ से। शेर खान, तुम दादा बन गए क्या? तभी तो नाजुक पक्षियों को डरा रहे हो। अच्छा, अब सिर्फ तुम पंख खाते हो या फिर मुझे पकड़ने से कतराते हो? तुझसे कतराए मेरी जूती। फिर फंसाया तबाकी के बच्चे। बाल बाल बचे, पर मेरा तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। मुझे माफ कर दो, मैं सफाई कर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे हो रंगू? ये क्या, इस बार तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं लग रही हैं? अरे नहीं, तैयारियां तो है पर खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया, क्योंकि क्योंकि रंगू तुम्हारे लिए कुछ और कर रहा था। ये देखो, चलो आओ, लंबे सफर के बाद तुम्हें उस जगह पर बहुत आराम मिलेगा। वोहो! चलो चलो, मजा आएगा। ये तो मजेदार है। बलू बलू, जल्दी मेरी मदद करो और अपनी बेरीज दे दो, मुझे रंगू को देनी है। मेरी बेरीज रंगू को दे दूं? अब ये क्या तमाशा है मोगली? लो, हो गया सही। रंगू, देखो तुम्हारी बेरीज वापस आ गई,
रंगू, इस बार तो तुमने हमें बहुत मजा दिलाया रंगू। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट था। शुक्रिया, दरअसल मैं बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। एक बार तुम भी फिसल के देखो। ओह हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जाने से पहले गूसबेरीज खाना मत भूलना, मैंने खुद इकट्ठा की है। ओ,